जैसा कि यहाँ इस एक चार्ट में आप देख रहे हैं, हमने बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ बनाई हैं। असल में यह है भिन्नात्मक संख्याओं को तितली विधि के द्वारा जोड़ करने की विधि। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक सवाल है 2/3 + 4/5, हमें इसको तितली विधि से जोड़ करना है। सबसे पहले जैसे कि इस तितली के अलग अलग पंख आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों डायगोनल पंखों को, डायगोनल संख्याओं को हम आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 5 = 10। यही 10 हमने यहां पर लिखा। इसके बाद इन दो पंखों में इनको हम डायगोनल आपस में गुना कर देंगे, 4 × 3 = 12। ये 12 हम यहां पर लिख देंगे तो हमारे पास पहली गुना से 2 × 5 = 10 आया था और दूसरी गुना से 3 और 4 ये गुना करने से हमारे पास आया था 12। और इस प्रकार से हमने एक भिन्नात्मक संख्या में इस रकम को, इस अंश को सामने वाली हर के साथ और इस अंश को सामने वाली हर के साथ हमने आपस में गुना किया है। और यदि हमने इसकी हर देखनी हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की हरों को आपस में गुना कर देंगे, 5, 3 इन दोनों को गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 15। वही हमने अपने उत्तर में हर में लिखा है। अगले स्टेप में यहां पर 10 और 12 इन दोनों को हमें प्लस करना है, 10 और 12 = 22 और हर में हमारे पास था 15। तो ये यहां गलती से 55 लिखा गया है, असल में जो हमारे पास हर आएगी वो आएगी 15, तो ये बन जाएगा 22/15। इसको हम अभी ठीक किए देते हैं। ये जो हर है यहाँ 55 गलती से लिखा गया है, असल में यहाँ पर 1 लिखा जाना है और ये 22/15 इसका उत्तर आ जाए। इस प्रकार से आपने देखा कि एक तितली विधि के द्वारा रंग बिरंगी तितलियां बनाकर बच्चों को तितलियों के प्रति आकर्षित होता देखकर हमने इस विधि का प्रयोग किया है भिन्नात्मक संख्याओं के जोड़।